तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, और VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे लूप्स की। तो हमारे साथ अभिषेक सिंह जी हैं हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, जिसमें आप सीखने जा रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, अब बात करने जा रहे हैं लूप। आखिर लूप होता क्या? बेसिकली हमें कुछ से कोड को रिपीटेड करना होता है मतलब और टाइम्स में, तो हम उसको लूप के अंदर में डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, नेम सिटी और अमाउंट, एक छोटा सा स्पीकर मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए और यहाँ पे मैं टोटल दिया और यहाँ पे इक्वल, और हम पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे इसको जो है मल्टीपल टाइम कॉपी करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इस तरह से। तो इसके लिए हम वीडियो प्रोग्रामिंग का हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे और कौन सा बुक चल रहा है हमारा एक फाइल में, बुक 4। तो विजुअल बेसिक के हम इसमें बुक 4 में आएंगे और इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या है, हमें इसको कॉपी करना है A1 से लेके C5। क्या लिखूंगा, रेंज A1 C5। फिलहाल मैंने मैनुअल लिख दिया है, बट जब हमारा ओरिजिनल डेटा होगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेंगे ना सर। अब मुझे इसको करना है रेंज A65,.and.xlsr.offset2,0.pastespecial और यहाँ पे paste all कर देंगे। तो अब जैसे कि इस माइक्रो को मैं रन करूंगा तो सिर्फ एक बार एक कॉपी पेस्ट किया, लेकिन मुझे इसको मान लीजिए कि 5 बार कॉपी पेस्ट करवाना है या 15 बार कॉपी पेस्ट करवाना है। तो मुझे इसमें, क्योंकि कॉपी तो हम एक बार करेंगे, हमें पेस्ट मल्टीपल टाइम में करवाना है ना। हम इसको कॉपी करेंगे इसको। हम इसको कॉपी करेंगे और इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 बार पेस्ट कर दिया एंड इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे उतना बार हमारा एक्सेल में कॉपी पेस्ट हो गया। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अगर इतने सिर्फ एक लाइन का कोड है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास 10, 20, 50 लाइन का कोड है और उतना बार कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम इसको लूप के अंदर डालेंगे, तो हम इसको डालेंगे यहाँ पे कि 4i=1, 2, 5 और यहाँ करेंगे next i। तो अभी क्या हुआ कि 4 और next के बीच में हम कुछ भी लिखेंगे तो उतना बार वो इस लाइन ऑफ कोड को रन कर देगा। कितना बार, 5 का हमने दिया 1, 2, 5। अब इसके बीच में 1 और 5 के मतलब बीच में कोई भी नंबर, 5 से 10 कर सकते हैं, 10 to 20, 20 से 50, ऐसे कोई भी नंबर यहाँ आप ले सकते हैं। ओके, रन किया। अब इस लूप को समझिए कि लूप के पास को समझते हैं। बेसिकली लूप का काम होता है रिपीट करना, ये तो समझ में आ गया। अब लूप के दो पार्ट हैं, एक है फोर और दूसरा है डू। फोर में हमारा एक फोर आई है जिसमें हम लिखते हैं i=1, 2, 100 जो भी आपको देना होता है आप यहाँ दे देते हैं। दूसरा होता है इच, इच में एक ऑब्जेक्ट होता है कि एवरी इच सीट इच फाइल इच सिलेक्टेड रेंज इच ऑब्जेक्ट इच आइटम, मतलब कि उसमें ये डिफाइन नहीं होता है कि लूप कितना बार चलेगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना बार चलेगा। मैंने बोला कि भाई सिलेक्टेड सेल, जितना सेल सिलेक्टेड है
वो उतना बार चलेगा। समझे? हार्दिक जी, यस सर, यस सर। और डू के अंदर भी हमारे पास यहां वाइल होता है और अंटिल होता है। तो डू किस पे चलता है? कंडीशन पे। भाई एक फोल्डर में जब तक फाइल मिलता रहा तब तक चले, कॉलम में डेटा जब तक मिलता है तब तक चले, जब तक इंटरनल एक्सप्लोरर रेडी ना हो जाए तब तक चले, जब तक फाइल रीड ओनली से एडिट मोड में ना हो जाए तब तक चले। तो इस तरह के जो कंडीशन पे लूपिंग करना होता है ना सर, और डू पे मतलब जब आपको पता ना हो कि भाई ऑब्जेक्ट कितने हैं, आपको पता नहीं हो कि भाई कितना बार रिपीट करना है, दैट टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया सर? यस सर। मतलब वाइल, मतलब इसमें वाइल और अंटिल का दोनों का अलग अलग मतलब है ना सर? वाइल तो अंटिल मतलब वो जब तक चले, जब तक कब हो गया अंटिल? ये मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल बस जानिए कि हाँ भाई लूप के दो पार्ट और होते हैं, जिससे जब आऊंगा तो डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं फोर आई पे वर्क कर रहा हूँ। अब चलिए फोर आई को समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो कोड अभी लगाया है, इसमें फोर और नेक्स्ट, फोर से आपका लूप स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट से आपका लूप खत्म होगा, राइट? इसमें आई क्या है? आई हमारा काउंटर है, जहां पे लिखा आई इक्वल टू 1 to 5, तो ये काउंट करेगा कि आई 5 टाइम ही रन होना चाहिए। तो आई क्या है? आई एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, जैसे आपका होता है ना ABCDXYZ का वेरिएबल इंटीजर लॉन्ग, वो सेम चीज ये है आई। इसको आप कहीं इंप्लाइज भी कर सकते हैं। कहाँ इंप्लाइज कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक का सीक्वेंस लिखना है, एज एग्जांपल में। तो यहां हम क्या करेंगे? यहां हम देंगे सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां हम करेंगे फोर आर इक्वल टू चले 1 to 5 100। तो यहां पे रेंज दिए, सॉरी यहां पे रेंज कॉलन ए, और इसके साथ हमने आई को कॉन्कैटेनेट कर दिया कि डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। तो नेक्स्ट अब क्या होगा? 1 to 100 तक के नंबर लिखिए। ठीक है सर? तो इसने आई को हमने कहा यूज किया? हमने आई को यूज किया अपने A1, B1, C1 रेफरेंस में। बात समझ में आया सर? हां जी सर। असल इसीलिए हम शीट से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जितने भी शीट से सारे शीट का नाम डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 करना है, तो उस केस में हम यहां देंगे, यहां पे सब्जेक्ट देता हूं लूप अंडरस्कोर 3 बाय क्लोज। मैंने यहां दिया कि 4 आई इक्वल टू चले 1 to seat.count। समझे? तो सीट की जितनी काउंट है उतना चले, और हमने यहां पे लिखा कि सीट, और इसमें हमने किया आई डॉट नेम इक्वल टू डेटा के साथ आई का। समझे? अरे आई क्या हुआ? जैसे सीट वन का नाम 1 हो या 2, इस तरह से भी हम रेफरेंस कवर करते हैं। तो जितने भी सीट के नाम है वो इसी तरह से 1 to 3। तो करने का मतलब तो जो यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में एज ए सीक्वेंस की तरह यूज कर सकते हैं। समझे सर? यस सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो उस केस में हम अलग से काउंटर लेते हैं। अब एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जैसे कि मैं यहां पे एक रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं, फेस वैल्यू कर दिया।
मैं कैसे चाहता हूँ कि ये ग्रेटर देन 50 है वो हमारा जी कॉलम में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 बाय सेट ओपन क्लोज, अब यहाँ पे देता हूँ कि 4i = चले 1 2, कितना है आपका है 100, ऊपर ले गया था। और यहां हम देते हैं नेट i, और हमने कंडीशन दिया कि इस रेंज i डॉट i a सॉरी i a के साथ i कंबाइन करेंगे ना, i डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज रेंज g के साथ। अब यहां से हम g के साथ i कंबाइन कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कंबाइन करेंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इक्वल टू इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां हम करते हैं एंड के, ये छोटी सी प्रॉब्लम होगी, मैं इसको रन करता हूं, लूप लूप फोर हो गया है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो कि अलग अलग आ रहा है, सीक्वेंस नहीं आ रहा ना सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंडीशन तो लगा दिया कि भाई ग्रेटर देन 50 ले, बट आई तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ना सर, एक कंडीशन चले ना चले आई का जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है ना सर। तो अब यहां पे हमें ऐसा काउंटर चाहिए जो आई की तरह वर्क करे, पर इंक्रीज कब हो? जब हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो। तो यहां पे हम एक वेरिएबल लेंगे कि डिम आर एज ए लॉन्ग और लिखेंगे आर यहां पे आर इक्वल टू आर प्लस 1, तो तभी इंक्रीज होगा जब कंडीशन फुलफिल होंगे। इससे क्या होगा कि जहां हमने आई दिया था वहां आर दे दीजिए, यहां आई पर रहेगा। अब इसको हम रन करते हैं, अब आप देखेंगे कि यहां सिक्वेंसली आया, ठीक है सर, समझ में आया सर अभिषेक जी? नहीं सर ये समझ में नहीं आया मुझे, मतलब ये अपन ने 50 करा था पर इसमें तो 37 के अपोजिट में भी दिख रहे हैं, 28 के अपोजिट में भी दिख रहे हैं। उसके अपोजिट की बात नहीं था ना सर, अपोजिट तो लेना ही नहीं था मुझे, इसमें से ग्रेटर देन 50 नंबर को छांट के यहाँ पे लिखना। अच्छा समझ गया, तो वो हमारे इसमें गैप आ रहा था पहले। हाँ तो पहले जो आप बोला ना अपोजिट में लिख रहा था वो हो रहा था, तो हमें ऐसा नहीं करना था, हमें एक के नीचे लिखना। हालांकि इसको एक तरीका और है उससे भी कर सकते हैं, इसमें हमें काउंटर की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि यहां सिंपल देंगे रेंज यहां पे जी 50,000 या 65,000 डॉट एंड यहां देंगे x प्लस ऑफ डॉट ऑफ सेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज a के साथ i डॉट वैल्यू, ये भी वर्क हो सकता है। दूसरा हाउ कैन ऑटोमेट मतलब कि डायनेमिक कैसे करेंगे, तो 100 मैनुअल है, कल के डेट में हमारा बढ़ सकता है घट सकता है, तो हम कैसे उसको ऑटोमेट करें? तो उसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो जनरली लोग यूज करते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए और इसके अंदर काउंट ए इसके अंदर देते हैं रेंज ए बाई
ठीक है सर। तो इससे क्या होता है कि ये देख लेता है कि कॉलम में कितना है, उतना बार रिपीट होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो फिर काउंट का रिजल्ट कम जाता है, क्योंकि वो ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। इसका सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ये है कि आप इस मेथड को फॉलो करो। यहां पे लिख दीजिए ए डॉट टू, समझे, ये आपका ऑटोमेट हो जाएगा। यस सर, क्लियर है, राइट सर। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो लूप का हमने आज आपके सामने बेसिक एग्जांपल को कवर किया। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे लूप से तकरीबन 10 एग्जांपल बना के मेल कीजिए।